नमस्कार दोस्तों, वीडियो सीरीज आपकी सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस की। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2016 सितंबर में जो सीटेट की परीक्षा हुई उसके प्रश्न पत्र के बारे में। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है हिंदी भाषा की, चूँकि ये आपकी डिस्कशन है हिंदी भाषा की के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अभी पिछला जो पार्ट इसमें हमने डाला था दैट वॉज सितंबर 2016 सीटेट पेपर वन सितंबर 2016 की परीक्षा, और उसमें लैंग्वेज वन यानी भाषा विकल्प एक में जो हिंदी आती है उसके पहले पार्ट को हमने आप तक पहुंचाया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बाकी के बचे हुए जो 15 क्वेश्चन हैं, जैसे आप जानते हो 30 क्वेश्चन आते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर अगली वीडियो में हम इसी पेपर के अंदर यानी पेपर वन सितंबर 2016 का जो है उसी के अंदर जो भाषा विकल्प दो के रूप में हिंदी है यानी लैंग्वेज ऑप्शन टू के रूप में जो हिंदी है उसके तरीके से 30 क्वेश्चन जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं इसमें, और सीधे सीधे 16 नंबर प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा, आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुत लेखन और सुलेख। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, मौलिक विचार यानी कि जो हमारा एक तरीके से ओरिजिनल थिंकिंग है, ओरिजिनल कंटेंट है, हमारी जो मूल चिंतन है हमारा, जो कि किसी और का कॉपीड एंड पेस्टेड नहीं है बल्कि क्या है, मौलिक है, अपने अपने भाव हैं, अपने विचार हैं। ठीक, श्रुत लेख का मतलब होता है डिक्टेशन यानी सुनकर लिखना, और सुलेख का मतलब होता है अच्छी हैंड राइटिंग। तो आपसे पूछा क्या गया है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे चाहे प्राथमिक स्तर पूछेगा, चाहे पूर्व उच्चतर प्राथमिक स्तर पूछेगा, अपर प्राइमरी लेवल पूछेगा यानी 6 to 8 का लेवल, दोनों में ही जब भाषण या लेखन क्षमता की बात आएगी तो आपको पता है कि भाषण और लेखन क्षमताएं दोनों कैसी हैं, दोनों प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, दोनों एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं, और एक्सप्रेसिव यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत मौलिक विचार, सकारात्मक विचार, एक तरीके से सृजनशील विचार, क्रिएटिव आइडियाज या हम कह सकते हैं ओरिजिनल आइडियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं की अभिव्यक्ति हमें करनी है। तो इसलिए इसमें सही सही जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मौलिक विचार, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जैसे ही बात आ जाएगी रिसेप्टिव स्किल्स की यानी कि श्रवण और पठन की, लिसनिंग एंड रीडिंग की, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों क्या, समझना यानी कि अर्थ ग्रहण करना, मीनिंग को जनरेट करना, मीनिंग को कंसेप्चुलाइज करना, अर्थ ग्रहण करना ऑप्शन में आएगा या फिर समझना ऑप्शन में आएगा, तो वो ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आंसर हो गया आपका 16 का क्या, मौलिक विचार। 17 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो होगी। श्रवण और वाचन कौशल यानी सुनना और कहीं ना कहीं बोलने की तरफ इशारा है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स की बात है, मौखिक कौशलों की बात है, ओरल स्किल्स की बात है, तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए तो ऑब्वियस ही बात है कि जिसमें अपॉर्चुनिटी होगी बातचीत करने की, सुनने की, बोलने की, वही सबसे अच्छी गतिविधि मानी जाएगी। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ है पहला रेडियो समाचार सुनाना, दूसरा दिया हुआ है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तीसरा दिया हुआ है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, और चौथा दिया हुआ है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। अब आप देखिए प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करने में क्या होगा कि भाई हम किस चीज़ पे प्रश्न पूछ रहे हैं ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। अगर उसमें मौलिक विचार होंगे तो ठीक है, अगर हो सकता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे तो वो ठीक नहीं माना जाएगा भाषा के मौखिक विकास के लिए या मौखिक कौशलों के विकास के लिए। रेडियो समाचार सुनाना क्या हो जाएगा, एक तरीके से लिसनिंग का इसमें अवसर मिलेगा लेकिन वाचन का अवसर नहीं मिलेगा। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तो इससे क्या होगा कि कहानी सुनाकर यानी कि हमने कहानी सुनाई बच्चों को, स्टोरी टेलिंग किया और बच्चों ने उसको सुना ध्यान से, उसको समझने की कोशिश की, फिर उस कहानी पे हम बच्चों से उनके रिस्पॉन्सेज चेक करें कि भाई आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, उस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछें, उस कहानी के अंत को बदलने के लिए कहें कि भाई आपने इस कहानी को सुना, अब ये कहानी मान लीजिए सुखांत है, कॉमेडी है, अब इसको आप ट्रेजिक एंड पे ले जाएं तो कैसे ले जाएंगे, यानी उनसे कुछ इमेजिनेटिव हम आइडियाज लें उस कहानी के अंत में बदलाव करने के लिए कहें उनको, ठीक है, और कहानी के ऊपर उनके क्या मत बन रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा उससे, क्या उनको शिक्षा मिल रही है, उस चीज़ को जानेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे का जो लिसनिंग है वो भी चेक होगा, उसको भी बढ़ने का अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ जब बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देगा, अपने विचारों को रखेगा, तो उससे भाषण के अवसर भी मिलेंगे, तो यही सही विकल्प होगा। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है, वाणी के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, पूछ रहे कि वाणी फिल इन द ब्लैंक्स होती है, क्या होती है वाणी, यही जानना है।
और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। वाणी का मतलब हो गया बोली, यहाँ पे सेंस क्या है, बोली। तो आप जानते हैं भाषा और बोली, बोली हो गई जो हम बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आपसी वार्तालाप के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और लिखित भाषा हो गई एक तरीके से जो मानक भाषा है जिसमें कि हम लेखन और पठन के माध्यम से रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स को डेवलप करते हैं, यानी कि लिखित माध्यम से हम बताते हैं अपने भावों को दूसरों तक, और अगर हम उसमें पठन करते हैं तो हम दूसरों के विचारों भावों को सीखते हैं, पढ़कर समझते हैं, आत्मसात करते हैं। तो दोनों में देखिए क्या है, तो आपको पता है कि बोली हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या हो जाती है, बदलती चली जाती है, यानी कि वाणी का जो तरीके से गतिशीलता है वो ज्यादा है, उसमें बदलाव जल्दी जल्दी आते हैं समय समय पर या स्थान स्थान पर, जबकि लिखित भाषा मानकीकृत होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है। जैसे हिंदी को देखिए आप, तो हिंदी की कई सारी बोलियां हैं, लेकिन हिंदी जो भाषा है, मूल भाषा है, मानक भाषा, वो कौन सी है, खड़ी बोली को माना गया। तो वो लिखित रूप में कहीं भी जाएंगे आप तो वही भाषा का प्रयोग करेंगे, वही नियम होंगे, उसी तरीके की शब्दावली होगी, लेकिन बोलचाल के स्तर पे हम हर 5-10 किलोमीटर पे कुछ न कुछ बदलाव महसूस करेंगे, अपने डायलेक्ट में भी, एक्सेंट में भी, और शब्दों के प्रयोग में भी। तो वही चीज यहाँ पे हमें समझना होगा। ऑप्शन देखिए, गौण, स्थिर, अस्थायी और स्थायी। तो ऑब्वियस सी बात है, गौण का मतलब हो गया कि भाई सहायक है, मतलब कम महत्वपूर्ण है। स्थिर का मतलब हो गया कि फिक्स्ड है, वाणी फिक्स्ड तो है नहीं, वो कैसी है, डायनेमिक है, गतिशील है। तीसरा ऑप्शन हो गया अस्थायी, यानी टेम्पररी है, यानी कि चेंज होती रहती है। और चौथा आ गया स्थायी, यानी कि परमानेंट है। तो ऑब्वियसली सही आंसर क्या बन जाएगा इन सब में से, तीसरा ऑप्शन, यानी कि अस्थायी। वाणी जो है अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो अब आइए 19 नंबर पे, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, कहा गया। दूसरा कहा गया जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर को बोली को सम्मान दिया जाता हो। तीसरा कहा गया कि जब बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, यानी जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उसको बहुभाषी कक्षा कहेंगे क्या। चौथा ऑप्शन दिया हुआ जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका को 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हैं, मतलब कि टीचर्स जो हैं जिस कक्षा में, अगर वो टीचर्स 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ और लिख सकते हैं तो उसको बहुभाषी शिक्षा कक्षा हम कहेंगे। ये 4 विकल्प हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप समझिए कि बहुभाषी कक्षा हम कहते किसको है, मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास का मतलब क्या है। मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास का मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी ऐसी कक्षा जिसमें कि अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी एक साथ बैठकर अधिगम कर रहे हों, या शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हों, यानी दैट पर्टिकुलर क्लास विल बी कॉल्ड एज मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास इन विच देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड सिटिंग टुगेदर एंड स्टडिंग लर्निंग टुगेदर, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है कि बहुभाषिक कक्षा वह कक्षा है जहाँ पे कि अलग अलग भाषा पृष्ठभूमि के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं। अब NCERT 2005 की अगर हम बात करें, चैप्टर 3 में आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे भाषा वाला खंड, उसमें सीधा सीधा बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है NCERT की तरफ से क्या, कि बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और यह किसी भी कक्षा के लिए संसाधन है, अवसर है, चुनौती या खतरा नहीं है, बाधा नहीं है। मतलब क्या कि भाई मल्टी लिंग्वलिज्म बेसिकली डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लास। इट इज नॉट अ ऑब्स्टिकल, इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज नॉट अ डिफिकल्टी और चैलेंज फॉर द क्लास। तो ये कक्षा में उपयोगी है, कक्षा के लिए बाधा या चुनौती नहीं है, ऐसा कौन लिख रहा है, NCERT लिख रहा है। तो अब उसके आगे उसी में लिखा गया क्या कि इसीलिए हर शिक्षक को कक्षा में बैठे बच्चों की जो भाषा है, उनकी अपनी जो मूल भाषा है, जो उनकी स्थानीय भाषा है, जो उनकी घर की भाषा है, मातृभाषा है, उसका सम्मान करना चाहिए, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए भाषा को लेकर, और उन बच्चों की जो अपनी मूल भाषा है, मातृभाषा है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी भी बच्चे को उसकी भाषा के आधार पर मजाक का पात्र ना बनाया जाए, उसकी अवहेलना ना की जाए, उसकी उपेक्षा ना की जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सही विकल्प क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब बहुभाषिकता पे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपके ठीक होते चले जाएंगे, आप इसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा रिपीट करके, तो नोट्स बनाना चाहिए आप पॉइंट्स में लिख लीजिएगा इसको। तो मल्टी लिंग्विस्टिसिटी पे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप ठीक से इसको समझ लेते हैं। आपको समझ आ जाएगा सही आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड ऑप्शन, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है उसको हम बहुभाषिक कक्षा कहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे कि भाई चौथा कोई करेगा, कोई कहेगा कि जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं सिखाई जाती हैं उसको बहुभाषिक कक्षा कहेंगे, और बाद में हम कहेंगे कि CBSE गलत आंसर दे रहा है। बिल्कुल नहीं, साफ साफ NCERT में लिखी हुई बात है, तो दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और CBSE के आंसर की में भी यही आंसर दिया गया था परीक्षा में 2016 वाली। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संज्ञान के स्तर पर विकसित, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। संज्ञान के स्तर पर विकसित, फिल इन द ब्लैंक्स, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती
रहती है। क्या क्या? देखो, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, क्या हम ये कहेंगे क्या? या हम व्याकरण क्षमता कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका क्या आंसर होगा? देखिए आप लोग, तो इसका कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भाई संज्ञान यानी कि हमारे कॉग्निटिव लेवल पे अगर भाषा की क्षमता हमारी विकसित हो जाती है तो यही होगा कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। यानी कि हमारा जो अपना कॉग्निशन है, जैसे कि आप हर किसी की अपनी एक भाषा होती है जिसमें वो समझता है चीज़ों को, और समझकर फिर उसी को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देता है। जैसे मान लीजिए हिंदी बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है तो वो जो भी नई चीज़ पढ़ेगा उसको एक्सप्लेन कर, भले वो इंग्लिश में पढ़ रहा है लेकिन मन में उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में ही वो अपने स्मृति में, अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। और जब किसी को एक्सप्रेस भी करना होगा तो पहले उसके विचार या ख्याल किस में आएंगे? हिंदी में आएंगे। बाद में उसको वो ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में या संस्कृत में या जो भी भाषा होगी उसमें बता सकता होगा। तो हमारे कॉग्निशन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कोई एक होती है और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद करते रहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, भाषा क्षमता। अब 21 प्रश्न देखिए क्या है। भाषा शिक्षण को फिल इन द ब्लैंक्स संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, ये सोचने वाली बात है। तो ऑप्शंस देखिए क्या हुआ है, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और बहुभाषी। ठीक है, तो भाषा शिक्षण को फिल इन द ब्लैंक्स संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो क्या लिखा हुआ है, आर्थिक पहला ऑप्शन है, दूसरा सांस्कृतिक है, तीसरा नैतिक है और चौथा क्या है, बहुभाषी है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा सांस्कृतिक उत्तर आएगा इसका। सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कल्चरल एस्पेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज आप जानते हो कि भाई कल्चर का पार्ट होती है, लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर। और एक प्रश्न आया भी हुआ है सीटेट में कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग होती है, इसलिए भाषा सीखने का मतलब भाषा की संस्कृति सीखना भी होता है। तो आपको ध्यान रखना, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि भाई पिताजी आ रहे हैं, जबकि पिताजी एक वचन है और एक वचन का व्याकरण का नियम क्या कहता है कि क्रिया का एक वचन रूप होना चाहिए, और आ रहे हैं क्रिया एक वचन में क्या होती थी, आ रहा है। तो हमको कहना चाहिए कि पिताजी आ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, हमारी सांस्कृतिक मूल्य अलाउ नहीं करते, हमारे कल्चरल वैल्यूज कहते हैं कि अपने पिताजी का सम्मान करो, और सम्मान करने के लिए हम आदर सूचक शब्दों के रूप में क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग करते हैं। तो हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं, पिता आ रहा है नहीं कहते। ये किस वजह से हुआ, संस्कृति के प्रभाव की वजह से हुआ। तो भाषा शिक्षण जब हम बच्चों को कराएंगे तो हम कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो हम बच्चे को जबरदस्ती करेंगे भाई व्याकरण का रूल यूज करो, और व्याकरण का रूल यूज करके वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भाषण देता था तो लोग तालियां बजाते थे। क्यों? क्योंकि उसको व्याकरण पे हमने सिखाया, हमने सांस्कृतिक संदर्भ में नहीं सिखाया। हमने ये नहीं सिखाया कि भाई जो महान लोग हुए, जो देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग रहे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको हमें सम्मान देते हुए बात करना चाहिए, और वहां पे व्याकरण के नियमों को थोड़ा बहुत बदल भी लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कई बार प्रश्न आते हैं ऐसे वाले। तो 20 नंबर पे थोड़ा सा एनालिसिस मैंने 21 नंबर पे ज्यादा कर दिया, तो सांस्कृतिक इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। अब आइए, एक पैराग्राफ आ गया, निर्देश आ गया उसमें कि भाई आप यहां से लेकर मतलब कि 22 नंबर से लेकर और 30 नंबर तक के प्रश्न पढ़िए, इस पैराग्राफ के ऊपर आधारित हैं और उसका उत्तर दीजिए। पैराग्राफ क्या देख लेते हैं जल्दी से, आप लोग भी पढ़ लीजिए। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑब्वियस ही बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो वाली इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिसमें कि उनको स्टार्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। एकदम ठीक बात है, वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। मतलब उनके लिए थोड़ी कैपिटल चाहिए, थोड़ा ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, थोड़ी बहुत जगह चाहिए, और थोड़े बहुत साधनों के साथ, रिसोर्सेज के साथ हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। निर्धनता मतलब आप समझ ही रहे हो, गरीबी निर्धनता एक ही बात है लगभग, और विषमता मतलब जो डिस्पैरिटी है, जो डिवाइड है, एक तरीके से जो एक इम्बैलेंस है लोगों के बीच में, जो खाई है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा साधन संपन्न, कोई बहुत ज़्यादा विपन्न है ना, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लड़ सकते हैं उससे। अपने आकार प्रकार तथा साधनों की लघुता और अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। ठीक, यानी कि अपने एक तरीके से आकार में छोटे होने की वजह से इन उद्योगों को क्या कह रहा है, कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एक तरीके से हो गई, घरेलू उद्योग हो गए। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जाते हैं। देखो लिख रहा है कि ऐसे वाले जो धंधे होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में भी आरंभ कर सकते हैं, और अपने सीमित साधनों को सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया
जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है, हम सब उससे पीड़ित हैं, आप जानते ही हो। ठीक, तो हम सबको, इसीलिए मोदी जी बार बार क्या कह रहे हैं, देखो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम जब रोजगार की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी रोजगार की बात नहीं करते, हम ऐसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरप्रेन्योर बने, हम उद्यमशील बने, हम रोजगार मांगे ना, बल्कि क्या करें, कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स लेके आए, कुछ ऐसे नए उद्योग शुरू करें अपने स्तर पर, छोटे स्तर पर सही, जिससे कि हम और लोगों को, दो चार लोगों को रोजगार दे सकें, ना कि खुद रोजगार मांगते फिरें। अगर हम योग्य हैं, अगर हम कर्मठ हैं, अगर हमारे अंदर क्षमताएं हैं, तो हमें इंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, उद्यमशीलता की जरूरत है। यही अंतर है विकासशील, अल्प विकसित और विकसित देशों में। विकसित देशों में इंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस किया जाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज उनके अंदर डेवलप की जाती हैं, हमारे यहाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज नहीं है। हम फिक्स्ड रहना चाहते हैं, स्थिर जीवन चाहते हैं, बहुत गतिशीलता नहीं चाहते, बहुत चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से इसकी वजह से समस्याएं आती हैं। वही चीज इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की जा रही है। आगे पढ़ते हैं, इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ऐसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, श्रम सघन उद्योग होने चाहिए, पूंजी सघन उद्योग या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, मशीनों के प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे, रोजगार के साधन कम होते जाएंगे। जैसे आज डिजिटल इंडिया में हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग कि भाई एक कंप्यूटर 10 लोगों के बराबर काम कर रहा है, एक जेसीबी की मशीन 50 लोगों के बराबर काम कर रही है, तो हम लोगों को काम ही कम मिल रहा है इसकी वजह से। लेकिन देश के विकास के लिए और तरक्की के लिए, समाज के साथ चलने के लिए भी जरूरी है, तकनीकी उन्नयन भी जरूरी है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे, मतलब सीजनल काम होता है, आप जानते हो खेती का जो काम है वो कैसा है, मौसमी रोजगार है, वो सीजनल रोजगार है, बाकी टाइम खाली रहता है बहुत, उसमें कोई काम नहीं होता इनके पास, तो वो कहीं ना कहीं कुटीर उद्योगों को देकर उससे पैसे बना सकते हैं। उसके बाद क्या लिख रहा है, इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार भी मिल पाएगा, जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, जैसे कि कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तमाम सारी चीज़ें हो गई, हार्टिकल्चर हो गया, फलों की खेती हो गई, फूलों की खेती हो गई, तमाम सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है ना, तो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। दाल के उद्योग हो गए, नमकीन के उद्योग हो गए, ये सब घरों में हो सकते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न इसी पैराग्राफ पर आधारित है, पढ़ते हैं। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, इनको कहा जाता है लघु उद्योग, देखते हैं इसमें विकल्प। पहला विकल्प है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात तो नहीं लिखी इसमें कि जिनको गरीब चलाए वही लघु उद्योग है, भाई कोई भी चला सकता है, कम साधन चाहिए, बस ये बात है। दूसरा है जिनमें अल्प लाभ मिलता है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसमें कहा कि भाई साधन कम लगते हैं, पूंजी कम लगती है, जगह कम लगती है, लेकिन लाभ हम इससे बेहतर कमा सकते हैं, क्योंकि खर्चे कम होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा, तो मार्जिन आपका ठीक निकल के आएगा, ये बात कही जा रही है। तीसरा विकल्प है जो अल्प अवधि तक चलते हैं, मतलब कि छोटे टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि भाई आपने संतरे का व्यापार शुरू किया तो संतरा जब सीजन में है तब तो बिका, उसके बाद नहीं बिक रहा। आपने केले का व्यापार किया, सीजन है, सब्जियों का व्यापार करते हैं, सीजनल व्यापार है, जैसे जाड़े के कपड़े जाड़े में ही बिकेंगे, गर्मियों में नहीं बिकेंगे, उनको हम अल्प अवधि के रोजगार कहेंगे या उद्योग कहेंगे, लघु उद्योगों के बारे में ऐसी बात जरूरी नहीं है। अगला देखिए, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते, एकदम करेक्ट है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। 23 नंबर पे आते हैं, मशीनीकरण से तात्पर्य है, मतलब कि जो एक तरीके से मशीनीकरण है, यानी कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, देखिए मशीनीकरण में करण प्रत्यय है ना, मशीन से बना हुआ है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं हम करण प्रत्यय या ई करण प्रत्यय कह सकते हैं लगा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनीकरण का मतलब क्या है, मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना, ऑब्वियसली बात है यही है, फिर भी देख लेते हैं विकल्प। मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, निर्माण से मतलब नहीं, उपयोग से मतलब है, बना लिया और काम में नहीं ला रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, उपलब्धता भी वही बात है कि उपलब्ध है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मशीनीकरण तो नहीं कह देंगे उसको। जैसे कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटर ला के रख दिया घर में तो क्या कंप्यूटरीकरण हो गया, नहीं, कंप्यूटर से काम करना शुरू किया तब तो कंप्यूटराइजेशन हुआ ना, तो इसी तरीके से मशीनीकरण को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो चौथा ऑप्शन है, मशीनों की अधिकाधिक खरीद करना, नहीं, ना तो उपलब्धता, ना खरीद, ना उत्पादन, सबसे बढ़िया क्या, उपयोग। जब मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे कार्यों को करने में तो उसको हम मशीनीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। तो गांधी जी कहते थे भी लघु उद्योग होने चाहिए क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है, वो एक तरीके से श्रम को बढ़ावा देते हैं, रोजगार को बढ़ावा देते हैं, और इससे गरीबी दूर हो सकती है, हम स्वावलंबी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, डिपेंड नहीं होंगे। पढ़ते हैं विकल्प में क्या है,
पहला है किसानों की बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके इसलिए लघु उद्योग जो है प्रश्रय देते हैं लघु उद्योगों को गांधी जी। दूसरा मशीनीकरण का विरोध किया जा सके इसलिए ये भी उद्देश्य नहीं बनता। तीसरा लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, बिल्कुल यही मैंने आपको देखो एक्सप्लेन किया प्रश्नों के विकल्प के पहले ही, क्योंकि पैराग्राफ में हमने डिटेल में समझते हुए पढ़ा हुआ है तो हमें दोबारा पैराग्राफ में झांकने की भी जरूरत नहीं है। देखो और उत्तर हमें मिल रहा है, यही आप लोग नहीं कर पाते हो शायद जो बच्चे कम स्कोर करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप जब कॉम्प्रिहेंशन पहली दफा पढ़ो तभी उसको थोड़ा एनालाइज करके पढ़ लो, थोड़ा डीप पढ़ लो, थोड़ा इंटेंसिव रीडिंग कर लो, आप सघन अधिक तरीके से पठन कर लो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, जिसमें कि समझ बनाने की कोशिश होती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश होती है, और इसलिए इसका नाम क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता आधारित प्रश्न, है ना। तो पहली बार ही हमने जब कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो अभी तक जितने प्रश्न मिले हमें दोबारा पैराग्राफ में जाके आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधे सीधे आंसर मिल जा रहा है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर ही हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, हम लोग और एक्सरसाइजेस करेंगे, आप लोग देखते देखते दक्ष हो जाओगे, एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। 100% 30 में से 30 नंबर हिंदी में लाना हमारा उद्देश्य है, इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है, नहीं तो अगर उसमें 25-22 लाने हैं तो बहुत पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलिए 24 नंबर भी समझ आ गया आपको, तीसरा ऑप्शन सही है और कुछ है नहीं इसमें। 25 नंबर देखिए, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, तो हमने पढ़ा था पैराग्राफ में क्यों बढ़ जाता है भाई, क्योंकि भारत जैसे जो देश हैं उसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि क्या है बेरोजगार हैं, तो इसलिए लघु उद्योग अगर बनेगा तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, उद्यमशीलता उनके अंदर आनी चाहिए। तो आप देखते हैं क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता ऐसा भी नहीं कहा गया, पूरी दुनिया में जाके युवा वर्ग ही काम कर रहा है भारत का मशीनों के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में, आप जानते हैं गूगल को भी हमारे सुंदर पिचाई साहब ही हेड कर रहे हैं जो कि आजकल पूरी दुनिया को संचालित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। उसके बाद अगला विकल्प है तीसरा 25 का, देखिए क्या, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, ऐसा भी नहीं है भाई आपके बड़े बड़े लोग हैं जो कि टॉप 500 कंपनीज जो निकालता है फोर्ब्स की लिस्ट आती है उसमें शामिल रहते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। और अंबानी साहब अपने जिंदाबाद तो है ही है इस मामले में फिलहाल, बाकी काम के मामले में मैं जिंदाबाद नहीं बोल रहा, बुरा नहीं मानना है, ठीक है। अमीरों की सूची में तो कम से कम भारत को आगे लेके चल ही रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टाटा है, बहुत सारे परिवार हैं, औद्योगिक घराने हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, और नए उद्योग भी बन रहे हैं जो कि धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं भारत के, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। समय का सदुपयोग किया जा सके, सॉरी 25 का चार विकल्प देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, उनको ह्यूमन कैपिटल बनाने की जरूरत है, मानव पूंजी में बदलने की जरूरत है, और उनको काम मिलेगा तब वो मानव पूंजी के रूप में बदलेंगे, जब तक वो काम ही नहीं कर रहे तब तक वो पूंजी के रूप में तो है ही नहीं, जनसंख्या के रूप में है, या हम कह सकते हैं संसाधन के रूप में अगर स्किल्ड है तो, लेकिन काम मिल गया काम करने लग गए तो वो क्या बन जाएंगे आपके लिए मानव पूंजी, और देश के लिए विकास की सबसे पहली शर्त क्या है कि हमारी जो जनसंख्या है वो क्या बने मानव पूंजी बने, यानी कि वो स्किल्ड हो और काम करने को तैयार हो और काम उपलब्ध हो, जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो हमारी मानव पूंजी तैयार हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल तैयार हो जाएगी, और फिर हमारा विकास नहीं रुकेगा, ठीक। तो चार ऑप्शन सही है 25 का। 26 देखिए, विषमता का विपरीतार्थी है, अब यहां से शब्द भंडार शुरू हुआ, अभी तक जितने भी प्रश्न थे इसके लिए कोई ग्रामर नहीं चाहिए था, इसके लिए कोई पूर्व ज्ञान नहीं चाहिए था, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी समझ लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी बस। अब देखते हैं 26 नंबर से शुरू हो रहा है आपका क्या, विषमता का विपरीतार्थक शब्द। विषमता मैंने आपको बताई थी क्या, विषमता का मतलब क्या था, डिस्पैरिटी, अनइक्वालिटी, ठीक है, यानी कि समानता ना होना, एक आदमी बहुत अमीर दूसरा आदमी बहुत गरीब, इस तरीके की जो अड़चने हैं जो एक तरीके से डिवाइड है उसी को हम विषमता कहते हैं। तो विषमता का विपरीतार्थी क्या होगा, सामान्यतः तो होगा नहीं, समानता होगा ऑब्वियस सी बात है, असमानता होगा नहीं और प्रतिकूलता होगा नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें, बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन यानी समानता। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का, समृद्ध शब्द में भाव है, समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है भाई, समर्थ होने का भाव है, रोजगार पाने का भाव है, खुशहाल होने का भाव है, या धनी होने का भाव है, तो समर्थ शब्द में कौन सा भाव है, समर्थ शब्द में जो भाव है सॉरी समृद्ध लिखा हुआ है ना, हाँ समृद्ध शब्द, समृद्ध का मतलब क्या हो जाता है एक तरीके से इनरिच होना, समृद्ध का मतलब हो गया एक तरीके से प्रॉस्परस होना, ठीक। तो ऑप्शन में देखते हैं, समर्थ होना, रोजगार पाना, खुशहाल होना और धनी होना, तो इन सब में से देखा जाए तो धनी होना से ज्यादा सही आंसर क्या हो जाएगा, खुशहाल होना, समृद्धि खुशहाली का सूचक होती है, सिर्फ पैसे हो जाने से कोई समृद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं, ठीक। तो प्रॉस्पेरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिचनेस, है ना, रिचनेस का मतलब हो गया कि ज्यादा धन इकट्ठा करना, लेकिन प्रॉस्पर होने का मतलब हो गया कि भाई यू आर हैप्पी, राइट, सो प्रॉस्पेरिटी इज क्वाइट
इंडिकेटिंग हैप्पीनेस, तो आंसर क्या करेक्ट बनेगा इसमें देखिए, खुशहाल होने का सूचक है या उसी का भाव इसमें है। 28 नंबर क्या है देखिए, क्या दे रहा है इसमें, अल्पता, अल्पता दे रहा है, क्या दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा इसमें मुझे, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है देखने में, अल्पता ही दिया हुआ है शायद, अल्पता शब्द है ना, अल्पता शब्द जो है क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशी, विदेशी है या तद्भव है, तो अभी सी बात है कि अल्पता जो है वो तत्सम शब्द होगा, ठीक है, क्योंकि अल्प मतलब तत्सम शब्द हो गया और ता प्रत्यय लग गया उसमें, तो उसी तरीके से ये तत्सम बन गया, क्योंकि ता प्रत्यय जो है वो संस्कृत से हिंदी में शामिल प्रत्यय है, बहुत सारे शब्दों में लगता है, जैसे मित्रता, ठीक है, जैसे शत्रुता, वैसे ही अल्पता, अल्पता मतलब एक भाववाचक संज्ञा बन गया, अल्प क्या है विशेषण है, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा क्या होता है विशेषण होता है परिमाणवाचक, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हैं या संख्यावाचक विशेषण में कहते हैं अगर हम, तो कहीं ना कहीं अनिश्चयवाचक होगा ये, ठीक है, अगर संख्यावाचक होगा तो अनिश्चयवाचक होगा और अगर परिमाणवाचक होगा तब भी ये अनिश्चयवाचक ही होगा, तो अनिश्चयवाचक विशेषण था अल्प शब्द, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये अल्पता बन गया, जो कि कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और इसका पूछा क्या गया यहाँ पे देखो हमसे, वो पूछा गया कि भाई इसमें कौन सा है ये, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का विभाजन हम पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तो इसमें से पहचानना है तो आप ऑब्वियसली तत्सम शब्द मानेंगे इसको, पहला ये उत्तर सही होगा। और इसमें मैंने आपको और भी जानकारी दे दी कि ता प्रत्यय लगा हुआ है, अल्प क्या है मूल शब्द है इसमें, अल्पता दोनों मिला के यौगिक शब्द हो गया ता प्रत्यय की वजह से, और ता जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा, क्यों, क्योंकि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय के पीछे लगते हैं कि बाद में लगते हैं, और ये अल्प क्या शब्द था, विशेषण शब्द था, और विशेषण के पीछे ता लगा इसलिए ता क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। अब अल्पता जो बना यौगिक शब्द तो है ही, लेकिन अगर इसकी पहचान करनी हो व्याकरणिक तत्वों के आधार पर तो इसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इतनी जानकारी आपको देखो यहाँ पे मिल गई, कोई भी प्रश्न बनेगा आप कर सकते हो, है ना, अल्पता क्या है, यौगिक शब्द है, मूल शब्द क्या है इसमें, अल्प है, प्रत्यय क्या है, ता है, कौन सा प्रत्यय है ये, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, और अल्पता शब्द कौन सा शब्द है अगर व्याकरण के नियमों के आधार पर पहचानना हो तो हम कहेंगे ये भाववाचक संज्ञा है, और यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पहचानना है तो ये तत्सम है, आई बात समझ में, और संरचना के आधार पर पहचानना है तो रूढ़ यौगिक, योग रूढ़ में से तो यौगिक है, बड़े आराम से हम आंसर कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। इस तरीके से अगर कोई और पढ़ा रहा है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं भी उसके चैनल देखना चाहता हूं, और अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और थोड़ा सा कमेंट में अपने सुझाव भी देते रहिए, ठीक है दोस्तों। सीधे सीधे आंसर बता के निकलना आसान है, लेकिन आपको तैयार करना ज्यादा जरूरी है, इसमें सिर्फ आंसर बताना है तो आंसर की आपको मिली जाएगी, ठीक है, डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है उसमें। अब आइए थोड़ी सी अपनी तारीफ के बाद 29 नंबर पे आते हैं, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, अच्छा युग्म शेष से भिन्न है मतलब बाकी शेष युग्मों से, शब्द युग्मों से कौन सा भिन्न है, तो पूछ रहा है कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, मतलब बचे हुए से भिन्न है, मतलब चार शब्द युग्म दिए हुए हैं और उसमें से एक अलग होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे, वही अलग वाले को पहचानना है, और शब्द युग्म आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ी हुई है वीडियो उसकी पूरी, चार प्रकार के शब्द युग्म होते हैं, द्विरुक्त शब्द युग्म या उसी को पुनरुक्त शब्द युग्म कह देते हैं, जहां पे एक ही शब्द दो बार आया होता है, जैसे नई नई, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, साथ साथ, है ना, इस तरीके के, इनको हम कहते हैं द्विरुक्त या पुनरुक्त शब्द युग्म, जहां एक ही शब्द दो बार आता है जोड़े में। सार्थक शब्द युग्म होते हैं जहां पे दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों मीनिंगफुल होते हैं, दोनों ही अर्थपूर्ण होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं उनको सार्थक शब्द युग्म भी कहा जा सकता है, जैसे पठन पाठन, पालन पोषण, इस तरीके के शब्द, रात दिन, पाप पुण्य, ये सारे। तीसरा प्रकार होता है इसमें देखिए, सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म का, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, यानी कि एक सार्थक होगा मीनिंगफुल, दूसरा निरर्थक होगा, तो जो सार्थक निरर्थक शब्द युग्म होगा क्या होगा, जैसे खाना वाना, जैसे पानी वानी, जैसे बातें वातें, तो एक तो मीनिंगफुल हो गया, दूसरा क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। ये हम यूज करते हैं ज्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, अनौपचारिक बातचीत में, दोस्तों के साथ बातचीत करने में, परिवार के साथ बातचीत करने में, औपचारिक भाषा का ये शब्द नहीं होता, बोलचाल की भाषा का शब्द होता है। और चौथा क्या पढ़ा था हमने, निरर्थक शब्द युग्म, जिसमें दोनों ही शब्द अलग अलग निरर्थक होंगे, एक साथ प्रयोग करने पर अर्थ पैदा करेंगे, जैसे हक्का बक्का, जैसे अनाप शनाप, जैसे उबड़ खाबड़, ठीक। तो आप फिर से इसको रिवाइज करके देख के, चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा या अलग से वीडियो पड़ी हुई है आप देख के उसको वहां से सीख लीजिएगा। तो शब्द युग्म भी हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, तद्धित प्रत्यय भी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया परिभाषा के साथ, और एक चीज हमने करी थी डिटेल में, क्या, बहुभाषिकता, वो भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में तीन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिए मेन, आप ध्यान रखिएगा उस पे। और थोड़ा सा मैंने यौगिक शब्द भी बता दिया आपको, रूढ़ शब्द भी बता दिया, अल्पता के माध्यम से मैंने आपको भाववाचक संज्ञा भी बताई और तद्धित प्रत्यय भी बताया। आगे बढ़ते हैं, अब इसका ऑप्शन देखिए, भारी भरकम,
पशु पक्षी माता पिता दिन रात। तो देखो इसमें क्या है कि भारी भरकम जो है वो अलग होगा, क्योंकि माता पिता देखो दोनों मीनिंगफुल है, सार्थक शब्द युग्म है, दिन रात भी मीनिंगफुल है सार्थक शब्द युग्म है, पशु पक्षी भी दोनों ही अर्थपूर्ण है, दोनों शब्दों का अपना मतलब होता है, सार्थक शब्द युग्म है। लेकिन जो भारी भरकम है ये वैसा ही है जैसे नाश्ता वास्ता था, जैसे बातें बातें थी, जैसे चाय वाय था, क्योंकि भारी तो महत्वपूर्ण मीनिंगफुल है, भारी का मतलब वजनदार, लेकिन भरकम उसके साथ सिर्फ जोड़ने के लिए आ गया। ठीक, भारी भरकम क्या हो गया, जोड़ने के लिए आ गया, जैसे पढ़ाई बढ़ाई। ठीक है, तो ये जो है कहा जाएगा सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। तो इसमें से दूसरा तीसरा चौथा जो विकल्प है वो सार्थक शब्द युग्म है, पहला विकल्प जो है वो क्या है, वो सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है, इसलिए वो अलग है और वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है, गद्यांश में प्रश्रय दिया हुआ है उसका भाव क्या है, प्रश्रय का मतलब क्या होता है, प्रश्रय का मतलब होता है किसी को आसरा देना, किसी को एक तरीके से सहारा देना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, नियुक्ति करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना। सही सही आंसर अपने आप मिल रहा है आपको चौथे विकल्प में, संरक्षण देना, किसी को सहारा देना, किसी को संरक्षित करना, उसको बचाव करना। तो आश्रय प्रश्रय देने का मतलब क्या हो गया, संरक्षण देना। ठीक है, तो जैसे पहले लड़ाइयाँ होती थी तो भाई कोई एक देश से भाग के दूसरे देश के राजा के पास जाता था कि भाई मुझे प्रश्रय दो अपने यहाँ, ठीक है, रहने का अवसर दो, तो वो उसके संरक्षण में फिर रहता था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ गई। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, जरूर बताइए, ताकि इस वीडियो के बाद अगले वीडियोज हम लेकर आप तक पहुँचें। अगली जो वीडियो होगी इस संबंध में, इस सीरीज में, वो हिंदी में जो होगी वो क्या होगी, सितंबर 2016 पेपर 1 सीटेट का लैंग्वेज 2 का हिंदी। ये तो लैंग्वेज 1 जिन्होंने ऑप्ट किया होगा हिंदी उनके लिए था, अब जो लैंग्वेज 2 हिंदी ऑप्ट कर रहे होंगे, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ऑप्ट कर रहे होंगे या अपनी मातृभाषा को लेके चल रहे होंगे, उनका क्या प्रश्न आया था हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसको भी शायद दो पार्ट्स में हम करेंगे, 15-15 के पार्ट्स में, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो होता है मेरा, और उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके जाना चाहता हूँ कोई भी चीज़, ताकि आप एक बार अगर मेरी क्लास ले रहे हो तो उसका लाभ आपको मिले, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप तक पहुंचे, एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको बातें याद आएं और उससे आप कुछ ना कुछ अधिक अंक लेकर परीक्षा से बाहर निकलो, हॉल से बाहर निकलो। और एक बारी दुआओं में याद रखो, दैट इज ऑल द एफर्ट फॉर विच दैट इज ऑल द रिजल्ट फॉर विच वी आर मेकिंग दिस एफर्ट। एंड आप भी उसकी वजह से इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको भी लाभ ना मिले तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं और आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। इन सारी बातों के साथ आपको फिर से नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, पढ़ाई को बोझ मत बनने दीजिए, पढ़ाई बोझ है ही नहीं, ढंग से पढ़ाया जाए तो पढ़ाई सबसे रुचिकर कार्य है और पढ़ने से अच्छा कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हम सीखते हैं, इससे हम बढ़ते हैं, इससे हम तैयार होते हैं जीवन की कठिनाइयों को से जूझने के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, इससे आप ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हो। अगर आपके पास पूरा ज्ञान है तो आप सुंदर दिखते हो, अगर अधूरा ज्ञान है तो मुहावरा लागू होता है, वो क्या है, थूथा चना बाजे घना। तो उस मुहावरे का अर्थ भी आपको याद हो गया होगा। अब आप अगली वीडियो तक इंतजार करें, जल्दी मिलते हैं, ठीक है, और जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मौज करते रहें। थैंक यू सो मच।